हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, शाम को 7 बजे हाई स्कूल की मैथमेटिक्स होती है, एनसीईआरटी सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। और ध्यान रहे, ये जो एनसीईआरटी पैटर्न है बाबू, ये सबके लिए होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। और स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने अलग अलग बोर्ड की क्लासें भी शुरू कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका एक नया चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इंग्लिश में इसको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या एक फिगर दिख रहा है, क्या आप लोग मुझे इसका नाम कमेंट करके बताएंगे क्या बोलते हैं इस फिगर को? देखो बेटा, इस फिगर को क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। अब ये क्यूबाइड आखिर क्या है, कौन से जानवर का नाम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। पहले आप लोग अपना नाम कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो भाई, जो अब तक आप लोगों ने वर्ग पढ़ा है ना, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है अच्छे से, लेकिन ये सीधा सीधा होना चाहिए। ये वर्ग का ही एक रूप है, बस आप इतना जान लो। जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर, इसी से निकलता है क्यूबाइड, इसका जन्म इसी से कहीं से होता है, समझ रहे हो ना। बस इसमें केवल दो फेस होता है। आप देखो, ये टू डायमेंशनल फिगर है, ये आपका थ्री डायमेंशनल फिगर है। क्यूबाइड का अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं रियल में, तो आप यहां से देख लो भैया, ये आपका क्यूबाइड का रियल का एग्जांपल है, ये क्यूबाइड है। ओके, दिख रहा है ना, इसमें हाइट भी होती है, यानी एक प्रकार से गहराई भी होती है, और लंबाई चौड़ाई तो होती ही है, समझ रहे हो ना। इसमें छह फेस होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे, एक इधर साइड से, एक इसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब इधर साइड वाला, और एक इधर वाला, और एक इधर वाला, इधर छह। समझ में आया? हमें क्या करना है, आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग से हमें समझना है क्यूबाइड क्या है। जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी का रियल उदाहरण है ये क्यूबाइड, जो मैं लिया हूं। आप समझ पाए? अब इसके हम सूत्र पढ़ेंगे, फार्मूले, ठीक है बेटा, बाबू समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो जानते हो आप सभी? कौन कौन जानता है? आनंद, अवंतिका, मनोज, मानवी सिंह, जानते हो? सुनो, देखो बाबू, पहले एक चीज समझो आप, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आप सबको अच्छे से पता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल इसके द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं, यानी जितना एरिया इसके अंदर कवर है, अंदर में बंद है, वही क्या इसका एरिया है। क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसकी जो हाइट है वो, सॉरी हाइट नहीं, टू डायमेंशनल फिगर में हाइट नहीं होती है, लेंथ एंड ब्रॉथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो इक्वल है। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको भी ए मान लें, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर, या सीधे सीधे शब्दों में हम इसे भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमें पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये फिगर, क्यूब के बारे में, क्यूबाइड और क्यूब। देखिए अब इसके बारे में क्या क्या आपको पढ़ना, समझिए। ये तो आप जान गए, इसका परिमाप भी आप लोगों को पता है, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आगे आप जो पढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना आए। परिमाप क्या होता है? किसी भी जो भी आकृति आपको दिख रही है उसके चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। आप आल साइड को ऐड करोगे तो वो क्या होता है, परिमाप होता है। क्योंकि इसमें चार साइड है, चारों साइड इक्वल है, अगर चारों साइड इक्वल है तो आप ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे, यानी फोर ए, हम कह सकते हैं कि चार गुणे भुजा, ठीक है। इसका सूत्र हम कह सकते हैं कि फोर इंटू भुजा यानी फोर इंटू साइड, ये क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, इसे एरिया बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आज हम आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं चैप्टर 13 से, इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल और फार्मूले वगैरह करवाएंगे,
फिर क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास से करवाएंगे, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो लिख लो, समझ गए। अब देखिए कुछ नए शब्द आएंगे, CSA, क्या आप लोगों ने सुना है? CSA का मतलब आप जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ। CSA, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, अभी आपको समझाता हूं। CSA क्या होता है? कर्व एरिया सरफेस। ये कर्व एरिया सरफेस जिसे हिंदी में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग का तो निकलेगा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसमें आ जाते हैं आपके घन और घनाभ वाले में। तो हम बात कर रहे हैं घन की, घन यानी क्यूब की, ठीक है। देखो पहले इसका मतलब समझ लो, CSA कर्व एरिया सरफेस, और एक इसमें पढ़ोगे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अभी हिंदी में भी बताऊंगा, परेशान नहीं होने का भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लिख लो, पहले पहले मतलब समझ लो, वर्डों को समझिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, ये मत सोचिए कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमको इंग्लिश से का मतलब है। आगे चल के पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका क्या है अगला? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना? तो इसे फटाफट हेडिंग डाल लो, क्लियर हो रही ना मेरी बातें? चल तो रहा वीडियो कि नहीं, रुक गया है क्या? चल रहा है ना? ठीक है, लिखो फट से। अब फार्मूले की बात करते हैं, चलो भाई साइड हो जाओ थोड़ा सा, फार्मूले की बात करते हैं। देखो भैया, पहले तो आप एक चीज जानते हो, वो क्या? अगर हमने एक वर्ग बनाया, पहले क्या निकालोगे? पहले हम निकालेंगे CSA, CSA, CSA मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे तो लिख लो हिंदी वाले, चाहे तो लिख लें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि भैया हो, जो अभी तक आप लोग पढ़े हो वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर में आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर आप करते हो ना, भुजा का स्क्वायर करते हो ना, क्यों भाई भुजा का स्क्वायर करते हो? तो एक चीज पहले समझो, छोटा सा इधर साइड में जगह है ना, ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग में एक ही फेस होता है, बोल होता है ना, लंबाई चौड़ाई वाला जो भी है, मैंने इसे वर्ग ही माना है, भले थोड़ा टेढ़ा बना है। लेकिन अगर मैं ये फिगर आपको दिखाऊं तो इसमें कितने फेस हैं उस तरह के, जरा ध्यान देना। एक अगर मैं इसको इसमें चिपका दूं, आप जरा सामने वाला ही देखना, एक दिखा, ये एक देखो बस और कुछ नहीं, भाई रुक जा सीधा हो जा, दिखा ना, एक दिखा ना। लेकिन अभी ध्यान रखना, इधर XA11 लिखा है, इसे नजर रखना, इधर पर घुमाओ, दूसरा दिखा ना, फिर घुमाओ, तीसरा दिखा ना, इधर भी XA11 लिखा, लेकिन ध्यान रहे ऊपर के कुछ चीजें अंतर है, फिर इधर घुमाओगे ये क्या है, चौथा दिखा ना, इसमें क्या है भाई साहब, चार फिगर है, चार फेस हैं, वैसे जैसे वर्ग में एक था वैसे इसमें चार हैं। तो आप क्या करोगे, इसको चार से गुणा कर दोगे, किसमें, जो वर्ग का क्षेत्रफल था उसी में, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, ओके, यानी भुजा का स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है आपका बाबू 4A² ये आंसर है, ये क्या है,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझ गए कैसे आया? क्योंकि ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं वर्ग वाला, उसमें केवल एक फेस आपको दिख रहा है, इसमें चार है इसलिए चार से गुणा कर दिया। संतोष बेटा तुम्हें ब्लॉक कर दें तब तुम्हें लगेगा। हाँ भाई संतोष को ब्लॉक करिए कुछ देर के लिए, इनको अभी लाइव चाहिए, इनको ब्लॉक करिए तो इनको लाइव मिलेगा अभी। अब देखो टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसे लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ लिख लो, लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे ऐसे नालायक बच्चे जुड़ जाते हैं, दिमाग चाट लेते हैं। अगर इनका नाम रटते रहो तो समझो लाइव है, इनका नाम नहीं ले रहे हो तो समझ लो लाइव नहीं है। हाँ मतलब क्या ही बोले इन्हें। देखो टोटल सरफेस एरिया, यहां समझो टोटल सरफेस एरिया, अभी तक हमने सिर्फ सी एस ए निकाला था यानी कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में बाबू देखो ये तो आप देखोगे ही, इसके अपोजिट भी एक है दो हो गया, ऊपर एक है तीन, इसके अपोजिट नीचे चार, और इधर एक पांच, और इसके जस्ट अपोजिट इधर छह, यानी टोटल में कितने फेस हैं बोलो, टोटल कितने फेस हैं इसमें, छह है ना। तो क्या करोगे, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है बाबू आपका वो क्या हो जाएगा, छह और ए स्क्वायर। समझ में आया? मैं आज आपको फार्मूला बता रहा हूं जिससे आप कभी भूलो ना लाइफ में। अगर आप फार्मूले समझ गए ना तो फिर समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपके चरण कमलों में रहेगी, लेकिन सूत्र आप समझ जाइए तब। ये चैप्टर 13 है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। नाम के लिए परेशान न रहें, पढ़ाई करें, अगर कुछ मतलब का डाउट है तो नंबर चल रहे हैं उनपे आप संपर्क करिए। और सोचो मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो तो यहाँ नाम लेने वाला काम नहीं होता बेटा, ठीक है, पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है आप हमारे साथ जुड़े हो। हाँ हम देख रहे हैं सबको, कुछ मतलब की बात बोलो तो ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 13 का, कोई पॉइंट नहीं है। 13.1 पढ़ाने के पहले हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप चीजों को समझ सकें। ये घन का था, लिख लीजिए जल्दी, इसको मिटा रहा हूं, जल्दी लिखिए। इसी तरह से अगला फिगर देखिए, इसे घनाभ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, घनाभ। अब भाई इसमें क्या अंतर है जरा सोचो, इसमें अंतर है जो फिगर दिख रहा है घनाभ में, ये आयत यानी रेक्टेंगल का ही एक रूप है। क्या है बाबू ये भैया, ये रेक्टेंगल का रूप है। आप लोग में से कितने लोगों को रेक्टेंगल आता है पहले ये बताओ, कितने लोगों को रेक्टेंगल आता है, मतलब उसके बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत। इधर मैं बना देता हूं, एक मिनट रुको, थोड़ा टाइम लगता है मुझे, देखना पड़ता है इधर का उधर। ये रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल आप जानते हो, इसे लंबाई चौड़ाई से लंबाई मान लो, वैसे लंबाई को लेंथ अगर यल माने तो ज्यादा अच्छा है, ओके। इसमें देखो लेंथ ब्रॉड, ओके लंबाई चौड़ाई ना। अब इसमें क्या करना भाई, समझो इसमें भी वही सारे कहानी समझो आप जो जो उसमें किए हो। पहले तो अगर मैं आपको बात करूं इसमें पेरीमीटर की, तो इसी पेरीमीटर से सब हो जाता है परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता बताओ, एक मिनट सोचो और मुझे बताओ कि आयत का परिमाप होता क्या है, बोलो भाई क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है और सिंपल से है कहानी, वो क्या है, किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, यानी जो चतुर्भुज की बात करें आयत और वर्ग में, तो उनके चारों साइड को एड कर दें तो क्या बनता है, परिमाप बनता है, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। तो देखो बाबू इसमें दो बार यल है दो बार बी है, इधर भी यल होगा क्योंकि बराबर है, इधर भी है तो इधर भी बी है, यानी बी प्लस बी यल प्लस यल होगा यहां पर, नहीं तो लिख लो यल प्लस बी प्लस बी। फाइनल में अगर आप करना चाहोगे इन्हें तो टू यल प्लस टू बी,
यही बनेगा ना। इसमें से अगर टू कॉमन ले लेंगे तो टू इंटू एल प्लस बी बनेगा, यानी दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या है, ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, यानी आयत का, ठीक है, समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है, देखो बाबू इसमें लंबाई तो है चौड़ाई तो है ठीक है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। क्या है, ऊंचाई नहीं है। अगर हम घनाभ का लिखेंगे, इसी तरह नीचे लिखो घनाभ का, घनाभ का परिमाप, परिमाप निकालना है, क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, परिमाप नहीं, क्योंकि इसमें तो पेरीमीटर नहीं निकालेंगे हम लोग, इसमें सरफेस, वो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जान रहे हो क्या होगा, सुनो, ये आपका घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है, दिख रहा है आपको, ये क्यूबाइड है। इसको निकालने के लिए आपको हाइट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें लंबाई है, यहां कहीं बनाया था, ये देखो लेंथ है, ठीक है, लेकिन यहां आपको कब समझ में आएगा, ऊपर वाले देखो, यहां इधर देखो, ऐसे में ये लंबाई है, चौड़ाई भी है, ठीक है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है। अगर समझने की कोशिश करोगे बातों को तभी समझ पाओगे, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आप इसके पेरीमीटर में फार्मूला यूज करते हो उसमें हाइट इंक्लूड कर दोगे बस, ठीक है, इसको हटाओ भाई, चलो इसमें क्या करोगे, हाइट भी इंक्लूड कर दोगे, तो आपका ये आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू एल प्लस बी और हाइट यानी एच, एच से भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये क्या था, सी एस ए था, कर्व सरफेस एरिया था ये, ठीक है, ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया, जिसे सी एफ ए लिख सकते हो। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओ सॉरी पृष्ठीय नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, भाई संपूर्ण पृष्ठ में क्या करोगे, जिसे क्या बोलते हैं बाबू, टी एस ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, ये टी एस ए क्या होता है, कौन से जानवर का नाम है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे समझो टी एस ए, आप समझो थोड़ा सा, अगर इन्हें आप देखिए, जरा नजर गौड़ाइए इसमें, सबसे ऊपर पहले देखिए, ऊपर साइड इधर दिख रहा है ना, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है ना, और यही लंबाई चौड़ाई सेम नीचे भी है, बोलो है कि नहीं, है ना, यानी L और B ऊपर भी है नीचे भी है, बोलो हाँ या नहीं, तो क्या लिखोगे बाबू, यहां पर लिख लो L B, लिखो L B, ठीक है, ये हो गई एक, हमने इधर का इसके अपोजिट कर लिया, ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर क्या क्या है भाई, इधर आपकी लंबाई है और ऊंचाई है, बोलो है कि नहीं, लंबाई है इधर में, इधर में हाइट है, ऊंचाई है, यानी एल एच है, क्या है, एल एच है, प्लस सब जोड़ेंगे टोटल, एल एच या एच एल लिखो, बात एक हुई, ठीक है, हमने ऊपर वाला कर लिया, इधर का कर लिया, इसके जस्ट अपोजिट का भी कर लिया, क्यों अपोजिट कर लिया, क्योंकि अब इसको दो से गुणा कर देंगे, अब कौन बच रहा है, इधर का फेस बच रहा है ये, और इसके अपोजिट ये भी बच रहा है, इसमें क्या क्या है, इसमें देखो हाइट है और ये आपकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई थोड़ी है, क्या बोलते हैं इसे, बताओ क्या है, चौड़ाई है, हा? भाई ऊपर से अगर देखेंगे तो इसी को चौड़ाई मान रहे थे, तो इधर भी ये चौड़ाई होगी, यानी चौड़ाई मीन्स बी से इसे दिखाएंगे ना, तो आप इसे क्या करोगे, बी और एच इनको दो से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये सब डबल डबल साइड में है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया,
समझ में आया? तो ये आप टॉपिक समझ रहे हैं, ओके। इसी तरह से आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। ये क्या होता भैया? लेंथ ब्रॉथ एंड हाइट से मल्टीपल कर दीजिए लंबाई चौड़ाई गुड़ाई, ओ सॉरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एल बी एच। ये आंसर हो गया। ये सारे फार्मूले अगर आपको आएंगे तभी आप कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर पाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर आप बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप इन्हें समझने की कोशिश करें। मिटा दें फिर इनको, हो गई कहानी खत्म। अब क्या पढ़ेंगे इसमें? हाँ, आज आपने क्या क्या सीखा? सी एस ए और टी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपने सीख लिया। इसके फार्मूले और उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे यानी बेलन और शंकु का। देखिए सिंपल में अगर हम एक चीज आपको बताएं तो आप सबको मालूम होगा कि ये एक वृत्त है। वृत्त से आप लोग परिचित हैं साथियों, वृत्त के बारे में पहले पढ़ चुके हो, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब आप अच्छे से सीख चुके हो वृत्त यानी सर्कल के बारे में ना। तो इसी के जैसे एक और भी फिगर बनता है, मतलब इसी के जैसे नहीं, कहने का मतलब इसकी हेल्प से बनता है, उसे सिलेंडर बोलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, ये मैंने खींचा, इसमें से ऐसे बढ़ाया आगे और इधर भी मैंने एक ऐसे गोला बनाया। तो आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पर एक सर्कल नीचे बना है, एक सर्कल ऊपर बना है, ये बीच में, इसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। और जैसे अगर इसके आकार की बात करें तो आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, आप देख सकते हो, कोई डिब्बा हो गया उसे आप देख सकते हो। अगर इसके हम आकार की बात करें तो देखिए, एक मैं डिब्बा लिया हूँ, आपको दिख रहा है, ये इसमें कुछ है भी लेकिन बताऊंगा नहीं क्या है। ये क्या है? सिलेंडर का एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें देखो ऊपर भी गोलाई है, नीचे भी गोलाई है, समझ रहे हो, और बीच में क्या है, इसमें हाइट है, यानी दो सर्कल नुमा फेस है इसमें। इसको थोड़ा टाइट कर दूं, नहीं बहना जाइए। तो एक इधर सर्कल बनेगा, एक इधर। अगर इन सर्कल को निकाल दिया जाते खोखा तरह हो जाएगा, जैसे इसमें देखो बना है ना। तो ऐसी चीजें जो है उन्हें क्या बोलते हैं? सिलेंडर आकार की बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है पता है? इनके फार्मूलों में हमें इसमें सर्कमफ्रेंस पढ़ना है और एरिया, जो कि सर्कमफ्रेंस और एरिया आपका सर्कल का सीधा सीधा निकल जाएगा। फिर जो 3D फिगर है इनमें आप सी एस ए कर्व सर्फेस ऑफ एरिया और टोटल सर्फेस ऑफ एरिया फाइंड करेंगे, यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, और इसका आयतन भी निकालेंगे। याद रहे जो आयतन होता है वो 3D फिगर में ही निकलता है, 2D में नहीं निकलता है। जैसे इसका कोई आयतन नहीं होता है, वर्ग का या आयत का कोई आयतन नहीं होता है, ठीक है। घन और घनाभ के आयतन होते हैं और बेलन का आयतन होता है, ठीक है, सुन रहे हो ना। तो लिखो, चलो इधर साइड हेडिंग लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। सर्कमफ्रेंस, देखिए अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त का जो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि होती है, यहाँ लिखा है वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आप सबको पता है, अब तक आप पढ़े हो। 2πr होता है, क्या होता है? 2πr ना। देखो इसमें सभी फार्मूलों में आपको एक चीज विशेष मिलेगा, वो क्या है? πr, ठीक है, πr सारे फार्मूले में मिलेगा। तो ये 2πr क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है। इसकी अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, यानी एरिया की, जितना इसके अंदर घेरा गया है, तो इसमें भी हम पाई आर का ही यूज करते हैं और सिर्फ इसका स्क्वायर कर देते हैं बस, ओके, यानी आर का स्क्वायर। अब बात करें सी एस ए, यानी सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ की। तो देखिए जरा समझिए, ये आपको दिख रहा है सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये क्या है? एक हाइट वाला चीज है। तो भैया हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। जैसा कि परिधि आपने निकाला था, ठीक है, परिधि आपने निकाला था, ये ठीक है, ऊपर ऊपर से ही मतलब है हमें बस। तो 2πr ये परिधि होता है ना, इसमें हाइट भी ले लो बस h, तो ये हो जाएगा 2πrh। ये क्या हो गया आपका? सर्कमफ्रेंस। यानी आपको ये चीज भी इसमें ले लेना है बस, टी एस ए में, सॉरी सी एस ए में, और बाकी जो आप इसका निकाल रहे थे वो चारों तरफ बाउंड्री, वो ठीक है, वही फार्मूला इसमें होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है बाबू? देखो इसमें सीधा सा बात है, संपूर्ण पृष्ठ में नीचे का भी सर्कल और ऊपर का भी जो सर्कल है इसका दोनों जुड़ जाता है। क्या? यानी संपूर्ण पृष्ठ में ये होता है, थोड़ा समझना,
कि जो आपका ये 2πrh होता है ना भैया, 2πrh जो होता है इसी में जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो जुड़ेगा, तो 2πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2π और आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? 2πr². अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2πr। अगर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे आप इनको लाके लिख सकते हो ऐसे, एच प्लस आर, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो ये आपका हो गया तीनों, सी एस ए, टी एस ए एंड सर्कमफ्रेंस। इसको लिख लीजिए। इसी तरह कौन वाला करेंगे, यानी शंकु वाला। देखो बच्चों, कमेंट के लिए ना परेशान रहो। कुछ बच्चे कहते हैं लाइव नहीं है, रिकॉर्ड है, कैसे क्या है। बेटा देखो, कमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ाने दो। क्लास देखो ध्यान से, कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज किसी का। अगला देखिए, शंकु। शंकु मतलब जानते हो, टोपी, जैसे जोकर की टोपी होती है, नीचे गोला ऊपर एकदम पतली सी। इसकी तिरछी लंबाई को यल मानते हैं, स्मॉल एल। ओके, इसमें देखो, हाँ इसमें जो अभी खत्म हुआ उसमें मैंने बेलन वाने में, बाबू इसमें मैंने आयतन नहीं बताया था ना, इसको लिख लो चाहे तो, भूल गया था। आयतन क्या होता जानते हो भाई? सिंपल सी बात है, वही पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर आपको पता क्षेत्रफल होता है ना, उसी क्षेत्रफल में ऊंचाई का भी गुणा कर देते हैं, उसी को आयतन बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी में एच से मल्टीपल कर देते हैं, वो बेलन का आयतन हो जाता है, ठीक है? चलिए इसमें क्या क्या निकालेंगे। इसमें सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए टोटल सरफेस ऑफ एरिया एंड वैल्यूम, ठीक है भैया? तो देखो मैंने कहा था कि पाई आर सब में रहेगा, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक में पाई आर रहेगा। और आपको क्या करना है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सब चीज तो ठीक है जो भी है, इसका आपने निकाला था क्या, पाई आर बोला था ना? एक मिनट भाई रुक, थोड़ा बीच बीच में ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो पाई आर इंटू इसमें यल से मल्टीपल कर दोगे बस, ठीक है? ओके, टी एस ए में क्या करोगे भैया, इसमें एक काम करना होता है, ये पाई आर एल जो है ये ठीक है, इसी में जोड़ देते हैं। क्या पता है? नीचे वाले का क्षेत्रफल, यानी नीचे वाले जो वृत्त का है उसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं, पाई आर का स्क्वायर। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका जो एरिया है उसमें जोड़ देते हैं। इसमें देखो बाबू, आप पाई और आर कॉमन ले लोगे तो यल प्लस आर बचता है, ठीक है? ये आपका फाइनल सूत्र हो जाता है। इसी तरह से बैलूम की बात करें तो इसमें क्या करते हैं बाबू, हाफ, सॉरी 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर एच से मल्टीपल कर देते हैं। ये आपके सारे फार्मूले थे पूरे चैप्टर के। इसमें अगर कोई किसी को कहीं से डाउट है तो बताओ। आपने घन, घनाभ, बेलन और शंकु के सारे फार्मूले देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए कैसे फार्मूले आते हैं। अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो नॉन स्टॉप सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, एक्सरसाइज 13.1, 13.2 तबल तोड़ सब खत्म हो जाएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कमेंट सबका देख रहे हैं, जो डेली आता है उसी का नाम बोलते हैं। इन बच्चों में जो डेली जुड़ते हैं उनका नाम है आनंद जी, नाम है अवंतिका गुप्ता, मनीष कुमार, मनोज यादव और एक राकेश सर के पड़ोसी जी, ये भी रोज जुड़ते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कभी लाइव है कि नहीं लाइव है। मानसी और सियाराम मोरेथा और शशि, क्लियर हो रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हाँ सुनिए, इसे क्या बोलते हैं बाबू, गोला। गोला मतलब स्फेयर, SPH ERE। ओके, अब ये स्फेयर होता क्या है? आपने देखा होगा जैसे कोई बाल हो गई, कोई फुटबॉल हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती है, स्फेयर होती हैं, ठीक है बाबू? समझ रहे हो ना सभी? अब स्क्रीन पे आप अगर नजर से देखो ध्यान से, तो आपको एक गोला दिख रहा है कि नहीं? बोलो सबको दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं इंक डालूंगा मार्कर में, बस आप आधा मिनट रुकिएगा। गोलू कुमार जी, कमेंट आपका आ रहा है। राजा बाबू, हाँ, प्रीतम,
शोभित सिंह, काव्या, नीलम और एक और भाई कालू राम जी हैं, उनका भी आ रहा है। तो इसमें हमें आपको भी इसका फार्मूला बताना है गोला का, बाकी चीजें फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन, तीन ही चीज निकालना है, ठीक है। जिसे हम शॉर्टकट में अगर बात करें तो हम इसे गोले को क्या बोल सकते हैं, इसमें फिगर तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, CSA और एक TSA और एक वैलूम, यानी जिसे हिंदी में आयतन बोलते हैं, ठीक है। CSA का मतलब क्या होता बेटा, जानते हो? कर्व सरफेस एरिया, यही होता है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आप मान लो इसे, ठीक है। चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस ऑफ एरिया यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये होता आयतन। देखो बेटा समझ लो, यहां पर आपको सब में पाई आर यूज करना है, क्या करना है, सभी में पाई आर यूज करना है, सभी में। ये आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि पाई आर हर किसी में लगेगा, सब में लगेगा। अब आपको करना क्या है जरा ध्यान से समझो, समझो मगर प्यार से। देखो जो आपका पहला है यानी सीएसए वाला, उसमें क्या करोगे, स्क्रीन पे आपको स्फीयर दिख रहा है ना, गोला दिख रहा है, इसमें देखिए एरिया के लिए आपको ऊपर एक कैपिटल आर ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। आपको पता है कि जो वृत्त होता है सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है, होता है ना। लेकिन ये क्या है, गोला है भैया, क्या है, गोला है। तो ये चारों तरफ से है, सर्कल तो सिंपल में एक चूड़ी हो या कंगन हो, देखते हो एक ही तरफ से दिखता है ना, ये चारों तरफ से है, तो ये 4πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4πr². इसी तरह से आपका जो TSA है बेटा, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, वो भी वही होगा, TSA भी वही होगा, 4πr का स्क्वायर, ओके, ठीक है। लेकिन आपका ये बदलेगा, कौन सा, आयतन, आयतन आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3, और ये क्यूब हो जाएगा। बस ये आपको याद रखने हैं फार्मूले, इन पे ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं, समझ के चलना है, ठीक है भैया। शाहरुख खान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंट नहीं, बहुत अच्छे मनोज जी, चलिए इसको लिख लीजिए। ये आपका हो गया क्या, तीन ही फार्मूले आपके गोले में। अगला देखिए, नेक्स्ट अर्धगोला, अर्धगोला को क्या बोलते हैं बेटा, इनको हिंदी में बोलते हैं हेमी, इंग्लिश में हेमी स्फेयर। अर्धगोला का फिगर दिखाइए, नेक्स्ट, ये भी गोला ही है, इसमें देखो आपको रेडियस वगैरह दिखाए गए हैं कैसे कैसे हैं, फिगर देख रहे हो ना स्क्रीन पे, आप देखो हेमी स्फेयर, ये क्या है, ये भगोला जैसे दिख रहा है। कुछ लोगों के गांव में भैंस वैंस होंगी, गाय वाय, तो उनको जो चारा देते हैं हउदी बोलते हैं, चरही, जानते हो कि नहीं, कुछ ऐसा नजर आ रहा ना का भैया, आ रहा ना कुछ ऐसा नजर। तो देखो इसमें क्या बात है, समझो इसमें भी यही सारी चीजें निकालनी है बेटा, इसमें भी बाबू आपको क्या करना है, पाई आर का ही यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ पाई आर, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जाएगा, वो क्या है, क्योंकि ये आधा गोला है, पूरा तो है नहीं, आधा काट दिया गया है, तो इसमें आपका जो, पहले तो पाई आर लिख लो सभी में, अभी आपने देखा ये 4πr² था ना, है ना, तो ये आधा है, आधा मतलब 2 और πr², ओके। उसी तरह से आपका ये क्या था, नीचे वाला 4πr² था, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसमें अगर आप टोटल सरफेस ऑफ एरिया देखो तो दो साइड नीचे से तो आपको दिख रहा है, ऊपर से एक सर्कल दिख रहा है, तो क्या है ये 3πr², क्यों भाई, कोई कहीं कंफ्यूजन होगी तो बता देना। और ये आपका आधा हो जाएगा, जो 4/3 था वो आपका 2/3πr³ हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है कि स्क्वायर होगा भाई,
बैलून में क्या होगा, स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, बताओ इसमें किसी को। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? सब क्लियर हो रहा ना भैया? वीडियो में थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है क्या? व्हाट इज प्रॉब्लम? क्या मस्त है एकदम, हिल रहा हूं ना मैं? चलिए ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कभी कभी। आइए समझिए, ये फार्मूले हो गए बेटा, इनको लिख लो, क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलें। हो गए फार्मूले, हो गए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो चलो,